Hello children, in this video I will explain very interesting poem The Quarrel. Lesson number 6. The Quarrel poem is relate to yourself. If you have a sibling means brother or sister. The poet is Eleanor Ferzin. So, children, tell me one thing. Do you quarrel with your sibling? क्या आपने कभी अपने sibling से fight की है? You have, do you know the reason why? और उसका reason आपको पता है? कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने brother और sisters से fight करते हैं तो कभी हमने fight कर लिया, टीवी की रिमोट के लिए फ़ाइट किया हमने, किसी भी चीज़ के लिए फ़ाइट कर लेते हैं हम लोग ऐसे. और कभी कभी क्या होता है, हमें कोई रीज़न ही नहीं पता होता है कि हम किस लिए फ़ाइट कर रहे हैं. ठीक है, तो इस पोएम में देखते हैं, हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में. आई क्वेरल विद माई ब्रदर. आई मतलब कि मैं, मतलब कि जो पोएट है एलिनर, तो पोएट है, तो अगर पोएट को हम क्या करते हैं, लड़की मान लेते हैं. आई क्वेरल विद माई ब्रदर. Don't know what about. One thing led to another. Somehow we fell out. ठीक है, मतलब कि पोएट कहती है कि मैं अपने ब्रदर से फाइट कर झगड़ा करती हूँ, बट मुझे पता नहीं होता है किस बात पे हमारी लड़ाई शुरू होती है. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. उसके बाद क्या होता है, जो स्लाइट मीन्स होता है स्मॉल, जो हमारा स्टार्ट हुआ था फाइट का, जो क्वारल कर रहे थे हम लोग, अपने मैं अपने भाई से क्वारल कर रही थी. पोएट कहती है कि जब मैं उससे फ़ाइट कर रही थी तो बहुत ही छोटी सी फ़ाइट स्टार्ट हुई थी, लेकिन जब एंड हुआ उसका, फ़ाइट ख़त्म होते होते क्या होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है. ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. और वो कहता है, मेरा भाई कहता है, पोएट कहती है कि उसका भाई कहता है कि वो सही है, मतलब उसका भाई सही है, वो कहता है कि मैं सही हूँ. और आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, और मैं जानती हूँ, पोएट कहती है मैं जानती हूँ कि वो गलत है. वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक. उसके बाद क्या होता है, हम दोनों एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं. हम लोगों ने इतनी फ़ाइट कर ली कि हम एक दूसरे को देख के हमें गुस्सा आ रही होती है, पोएट ऐसा कहती है. तो और शाम होता है, शाम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है बिल्कुल. देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक, तो तुरंत मेरा भाई आता है, पोएट कहती है, उसके भाई ने उसका पीठ थपथपाया और कहा कि चलो. हाँ, तो उसका भाई आता है, उसका पीठ थपथपाने लगता है अपनी सिस्टर का. एंड सेड ओ कम अलोंग, वी कैन नॉट गो ऑन ऑल नाइट, आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट. तो उसके बाद में उसका भाई कहता है, आता है, उसका पीठ थपथपाता और कहता है कि चलो हम चलते हैं, इस तरीके से हम पूरी रात झगड़े में नहीं रह सकते हैं, और मैं अपनी गलती को मानता हूँ. उसका भाई कहता है पोएट का कि मैं अपनी गलती को मानता हूँ, और उस समय मेरा भाई सही होता क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली हुई होती है. ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टोरी थी हमारी, जो छोटी सी पोएम थी, इसको मैंने एक्सप्लेन किया. इसी तरीके से क्या होता है, हमारे भी घर में सिबलिंग्स, हमारे ब्रदर और सिस्टर्स होते हैं, हम लोग फाइट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें रीज़न उसका पता नहीं होता है. अगर हम अपने ब्रदर और सिस्टर से दूर हो जाएं कुछ समय के लिए, तो क्या होता है कि एक दूसरे से जो फाइट रहती है, हम एक दूसरे से फाइट वगैरह सब कुछ भूल जाते हैं. और ये थी हमारी पोएम, तो इसको सब लोग रीडिंग कर लेंगे, और कंप्लीट रीडिंग करके जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको समझेंगे सभी लोग. ठीक है, सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा है नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स है और राइट द राइमिंग वर्ड्स. इसको कंप्लीट करवा दूंगी मैं आप लोग को नेक्स्ट टर्न पे. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. 6 चैप्टर था ये, 7 चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था. ठीक है,